नवरात्रि पर्व एवं दशहरा को लेकर थाना परिसर बंडा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार खेमचंद राय ने की। बैठक में सभी दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशासन की ओर से बताया गया कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है और सभी को प्रेम और स्नेह से आगामी त्यौहार को सम्पन्न करना है, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए और हमें ख्याल रखना है कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो। रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध रहेगा, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजाता हुआ पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। सभी समिति के सदस्यों एवं अध्यक्षों ने डीजे को रात्रि 10 बजे तक बंद करने का आश्वासन दिया और कहा कि 10 बजे के बाद वह डीजे लाउड स्पीकर आदि नहीं बजाएंगे। शांति समिति की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रशासन की ओर से कहा गया कि चल समारोह में किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चले एवं कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से कोई नशा करने वाला चल समारोह में शामिल ना हो सके। नगर परिषद को बड़ी प्रतिमाएं होने के कारण कुंड की गहराई बढ़ाने के लिए और साफ सफाई व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में थाना प्रभारी नासिर फारूकी सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक पत्रकार एवं दुर्गा समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे। नियमों का ही पालन करना है, जो भी हमारे MCC में कोड ऑफ कंडक्ट में नियम बताए गए हैं, तो ये हम सभी से निवेदन करें कि हमारे त्यौहार भी सौहार्दपूर्ण तरीके से माने, आनंद से माने, उत्साह जैसा किसी भी तरह से उसमें कोई कमी ना रहे और हमारे जो PCI के नियम हैं उनका भी पालन होता रहे, ये सब आप लोगों से अपेक्षा रहेगी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें टाइम निर्धारण कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है कि हमको शाम के 10 बजे के बाद रात से सुबह 6 बजे तक के लिए उसमें पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो जो और DJ वगैरह ये है तो उसको कोलाहल में बंद रहेगा, बाद में 10 बजे के पहले तक DJ है तो उसमें भी कुछ डेसिबल निर्धारित हैं, इस तरह का DJ ना बजाया जाए कि कोई हमारा बुजुर्ग आदमी बीमार हैं, पेशेंट हैं, तो उनको किसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़े। अपन त्यौहार मनाएं, खूब मनोरंजन करें, देवी जी की आराधना करें, आनंद से मनाएं, इसमें कोई कमी नहीं होना है। लेकिन ये है कि किसी भी तरह से DJ के द्वारा इतना भयानक वाइब्रेशन होता है कि कुछ लोगों को परेशानी आती है, हम लोगों तक शिकायतें आती हैं कि सर उसको थोड़ा स्लो करवाइए। तो DJ वालों से थोड़ा हम लोग निवेदन करेंगे, आप लोग भी उनसे कहें कि भाई उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, दे दें। जितनी भी दुर्गा उत्सव समिति हैं सभी से निवेदन है कि हमारे जो निर्वाचन आयोग के नियम है सब लोग परमिशन ले लें, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, वहाँ हमारा पूरा स्टाफ बैठा है, पूरे आप जाएंगे, सिर्फ एक सिंपल सा आवेदन बनाना है, आपको तुरंत उसकी परमिशन दे दी जाए, किसी को ना वहाँ खड़ा रहना, किसी तरह कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। दुर्गा उत्सव समिति वाले पंडालों को एक अनुमति ले लें, मतलब क्या रहता है, निर्वाचन आयोग की सिंपल से कागज पे आप 4 लाइनें लिख दें कि दुर्गा उत्सव समय की फलाना हमारे अध्यक्ष है और हम इतनी तारीख से इतने तक भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आपको तुरंत वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, ना ऐसा कोई है, किसी को ही पहुँचा दीजिए, कोई ये नहीं है, तो वो एक आपके पास हो जाएगा कि कभी कोई आता है कि भाई हमारे यहाँ अनुमति, हम लोग को निर्देश है ऊपर से, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और बाकी ये है कि हम आप सब मिल के ही पूरे अपन को सब कार्यक्रम करना है कि त्यौहार भी तरीके से मनते रहें हमेशा की तरह और हमारे नियमों का पालन भी होता रहे और किसी भी हमारे शहर में मतलब शांति कायम रहे, सौहार्द बना रहे, इतना आपसे। और बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के विचार सुनने के लिए हम लोग बैठेंगे, आप अपना कुछ सुझाव दें तो उसको हम लोग सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। अभी गणेश जी ने हालांकि वो छोटे गणेश जी रखे थे तो उन्होंने नदी में कर दिया था, लेकिन सर कुंड बहुत छोटा बनता है, कुंड बहुत छोटा बनता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है।
देखिएगा 10 12 फुट 20 फुट का बनाइए आप साफ पानी उसमें रख सकते हैं पानी तो ज्यादा है पुल भी आप जैसी भी ऊंचाई बनवा दीजिए कितना गहरा है बताओ ना कितना गहरा है इतना ही सर गहरा करवाना पड़ा था।